नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार दुबे। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल डाउट क्लियर में। यहां पे कोई भी डाउट नहीं रहेगी, सारी की सारी क्लियर कर दी जाएगी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें। आज हम बात करेंगे 9 सितंबर 2019 के द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल के। जो सबसे पहला एडिटोरियल इसमें छपा है दोस्तों, वो छपा है हमारे चंद्रयान से संबंधित। ये एडिटोरियल है सो क्लोज एट सो फार, बहुत ही पास थे लेकिन तब भी दूर रह गए। चंद्रयान टू माइट हैव फेल्ड इन एन ऑब्जेक्टिव बट द मिशन इटसेल्फ इज नॉट अ फेल्योर। देखिए, एज ऑब्जेक्टिव जो इसरो का ऑब्जेक्टिव था कि वो लैंडर विक्रम को चंद्रमा की सतह पर उतारेगा, अगर उस ऑब्जेक्टिव से देखें तो हमारा चंद्रयान टू फेल हो सकता है। बट मिशन का जो ऑब्जेक्टिव था, मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, मून के साउथर्न रीजन की मैपिंग करना, उसके बारे में जानकारी जुटाना, उस लिहाज से ये हमारा मिशन फेल्योर नहीं है। उस लिहाज से हमारा मिशन पूरी तरीके से सक्सेस है, क्योंकि जो ऑर्बिटर है वो चंद्रमा के ऑर्बिट में चक्कर लगातार लगा रहा है और वहाँ से सूचनाएं भेज भी रहा है। हमें ये याद रखना चाहिए कि इसरो ने इस बार पावर लैंडिंग के लिए पहली बार पावर लैंडिंग का यूज किया, मतलब सॉफ्ट लैंडिंग की यूज किया। इसके पहले 38 अटैम्प्ट ऐसे हो चुके हैं दूसरे अदर कंट्रीज से, लेकिन उसमें से केवल आधे से भी कम को ये सफलता मिली है। इस अप्रैल में इजराइल के बेयर सीट लूनार लैंडर क्रैश हो गया था चंद्रमा के सरफेस पे ही। जनवरी में ही इसी साल चाइना का चुंग E4 ने लूनर के को काफ़ी दूर से टच किया और डिप्लॉयड द UT2 रोवर टू एक्सप्लोर द सोल आर्किटेक्ट बेसिन इन विक्रम। द वेलोसिटी वॉज सक्सेसफुली रिड्यूस फ्रॉम अबाउट 600 किलोमीटर पर आवर एट द स्टार्ट ऑफ द डिसेंट एट 35 किलोमीटर एल्टीट्यूड टू अ फ्यू मीटर्स पर सेकेंड बिफोर कम्युनिकेशन स्नैप। देखिए, इसी चंद्रयान टू के बारे में ही बता रहा है कि 90 to 95 ऑफ द मिशन ऑब्जेक्टिव हैव ऑलरेडी बीन एकम्प्लिश्ड। लॉन्च और मिशन मैनेजमेंट की प्रशंसा करते हुए, मतलब प्रिसाइज लॉन्च और मिशन मैनेजमेंट की प्रशंसा जितनी की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि जिस चंद्रयान को हम लोगों ने एक साल के लिए भेजा था उसको वहाँ पे पहुँचते पहुँचते इतने किफ़ायती तरीके से, इतने समझदारी से उसको वहाँ के ऑर्बिट में डाला गया कि उसके पास इतना ईंधन बच गया कि अब वो इससे 7 सालों तक चंद्रमा की परिक्रमा कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, वो वहाँ के पोलर रीजन में वाटर मॉलिक्यूल्स के भी खोज करेगा, वहाँ पे से नमूने, उस नमूनों की फोटो खींच के धरती पे भेजता रहेगा। यूनाइटेड स्टेट आल्सो सेंड एस्ट्रोनॉट टू द साउथ पोल बाय 2024 एंड द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा इन पर्टिकुलर विल बी कीन ऑन डाटा फ्रॉम द चंद्रयान टू ऑर्बिटर। चंद्रयान टू ऑर्बिटर की वजह से इसरो को जो डाटा मिलने वाला है, नासा उस डाटा पे भी काफ़ी हद तक डिपेंड करेगी, यानी उसे भी वो डाटा चाहिए। अगला जो है एडिटोरियल, ये GS2 के पॉलिटी पार्ट से रिलेटेड, टोटल एट द ग्रास रूट। ये मेनली में रिलेटेड है जो हमारे लोकल गवर्नमेंट है, जैसे ग्राम पंचायत और जिला पंचायत, इनसे रिलेटेड है। उनके बारे में बताया गया है कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इज बेयरली अलाइव इन इंडिया, अब बहुत ही कम जिंदा रह गई है। 25 साल होने के बाद भी 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, जिसमें इस अमेंडमेंट में क्या किया था गया था कि पंचायत और म्यूनसिपालिटीज को लोकल गवर्नमेंट के रूप में सेलेक्ट किया गया था। इसमें इतनी ज़्यादा पावर को डिवॉल्व कर दिया गया और रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको बना दी गई और रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दे दी गई और इनको इस बात के लिए जवाबदेह बना दिया गया कि वो अपने बहुत ही कम और छोटे से रिसोर्सेज में लोकल गवर्नमेंट चलाएं। और यहाँ पे ये भी ध्यान देने वाली बात है कि
जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसके हिसाब से यह है कि इसमें डिवेल्युएशन ही हुआ है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव था, लेकिन इज नॉट मोर डेलीगेशंस। इट इम्प्लाइड ए प्रीसेसली डिफाइंड गवर्नेंस फंक्शन आर फॉर्मली असाइंड बाई लॉ टू लोकल गवर्नमेंट बैक्ड बाई एडिक्वेट ट्रांसफर ऑफ बास्केट ऑफ फाइनेंशियल ग्रांट एंड टैक्स हैंडल्स एंड दे आर गिवन स्टाफ सो दैट दे हैव द नेसेसरी वेयर विड्रॉल टू कैरी आउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एबव ऑल लोकल गवर्नमेंट आर टू रिपोर्ट प्राइमरली टू देयर वोटर एंड नॉट सो मच टू हायर लेवल डिपार्टमेंट। यहाँ पे कुछ एक और चीज़ ध्यान देनी है, जो की इशू हैं, जो इसके मेन मुद्दे हैं। द कॉन्स्टेंट लाई इन द डिजाइन ऑफ फंडिंग स्ट्रीम दैट ट्रांसफर मनी टू लोकल गवर्नमेंट। जो मनी ट्रांसफर का जो जरिया है, जो क्या होता है डिजाइन है लोकल गवर्नमेंट को, वो थोड़ा गड़बड़ है। फर्स्ट द वॉल्यूम ऑफ मनी सेट अपार्ट फ्रॉम देम इज एन इनएडिक्वेट टू मीट देयर बेसिक रिक्वायरमेंट। पहली बात तो जो उन्हें फंड भेजे जाते हैं वो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट ही पूरी करने के लिए काफ़ी नहीं होती। दूसरा, मच ऑफ द मनी गिवन इन इनफ्लैक्सीबल, जो भी पैसे दिए जाते हैं वो इनफ्लैक्सीबल होता है। आज इस साल 1 लाख दे दिए, अगले साल 50,000 देंगे। इवन इन द केस ऑफ अनटाइड ग्रांट मैंडेटेड बाई द यूनियन एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये मैंडेटरी किया भी गया हो यूनियन और स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा, तभी देयर यूज इज कंस्ट्रेंट थ्रू द इम्पोजिशन ऑफ सेवरल कंडीशन। थर्ड, देयर इज लिटिल इन्वेस्टमेंट इन इनबेलिंग एंड स्ट्रेनिंग लोकल गवर्नमेंट टू रेज देयर ओन टैक्सेज एंड यूजर चार्जेज। मतलब उनको ऐसा बनने ही नहीं दिया गया कि वो अपना खुद का यूजर चार्ज और टैक्सेज लगा सकें। दस अ मार्केट चेन ऑफ करप्शन ऑपरेट इन्वॉल्विंग अ पार्टनरशिप बिटवीन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड ऑफिशियल्स एट ऑल लेवल। द कॉन्स्टिट्यूशनल डिफिनेशन ऑफ ग्राम सभा इज दैट इट इज एन एसोसिएशन ऑफ वोटर्स। लोकल गवर्नमेंट मस्ट बी इनेबल टू होल्ड स्टेट डिपार्टमेंट अकाउंटेबल एंड टू प्रोवाइड क्वालिटी करप्शन फ्री सर्विस टू देम थ्रू सर्विस लेवल एग्रीमेंट। थर्ड, वी कैन नॉट हैव अकाउंटेबल जीपीज मीन्स ग्राम पंचायत विदाउट लोकल टैक्सेशन लोकल गवर्नमेंट आर रिलक्शन टू कलेक्ट प्रॉपर्टी टैक्सेज एंड यूजर चार्जेज फुल्ली। देखिए जो अगली खबर आ रही है GS2 और GS3 से रिलेटेड है, इसमें ट्रंप यूरोप एंड द ईरान इफेक्ट के बारे में बताया गया। देखिए है क्या दोस्तों, जब से ईरान ने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया तब से अमेरिका ने उस पर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए हैं, लेकिन इन प्रतिबंधों के लगाने के बाद भी ये तो तय है कि ईरान से हमको क्या मिलता था, तेल। अब अमेरिका ने ये बोल रखा है कि भाई ईरान से जो भी क्या होता है तेल लेगा या जो भी चीज़ें लेगा वो हमारा दुश्मन होगा, या उससे उसके ऊपर भी सैंक्शन लगा दिए जाएंगे। में जो चीज़ें बताई गई हैं वो एक्चुअली में डोनाल्ड ट्रंप ने जो ईरान को लेके अपना रवैया अख्तियार किया हुआ है उसको लेके है। इसमें जो यूरोप हैं और जो ईरान यूरोपियन देश है, यूरोपियन नेशन वांट्स टू प्रिजर्व द डील और द जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन इवन दे इफ दे सीम वरीड अबाउट अ ग्रोइंग लिस्ट ऑफ वायलेशन बाई ईरान ऑफ द डील। देखिए जो डील हुई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, द डिविजन बिटवीन द यूरोपियन यूनियन एंड द US ओवर ईरान हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग सिक्योरिटी चैलेंजेज सिंस मिस्टर ट्रंप डिसाइडेड लास्ट ईयर टू अबॉर्न द डील दैट वर स्टक इन 2015। देखिए एनर्जी इस सिक्योरिटी को लेकर भी काफ़ी सारी इसमें है प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई हैं। देखिए अमेरिका का जो प्लान है प्रोजेक्ट सेंटिनल, उसका स्ट्रेज ऑफ हॉर्मुज मतलब जो हॉर्मुज धारा के बीच में से जो भी शिप्स निकल रही है उनको प्रोटेक्शन देने का है। और दूसरा, जो यूरोपियन देश जो हैं वो डरे हुए हैं कि वेस्ट एशिया किसी तरीके से किसी दूसरे वॉर में ना फंस जाए। और जबकि ये भी एक सच्चाई है कि उनको ये भरोसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने वादे पर अटल रहेंगे कि हाँ वो ईरान पर हमला नहीं करेंगे। और सबसे आखिरी और तीसरी बात, यूरोपियन जो हैं वो अपने बिजनेस के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड में एक रास्ता तलाश रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शन कर दिया हुआ है, इसलिए फ्रांस जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम ने एक मैकेनिज्म डेवलप किया है ईरान के साथ लीगली ट्रेड करने के लिए, जिसका नाम है आइन इन सेट, शॉर्ट फॉर इंस्ट्रूमेंट इन सप्लाई ऑफ ट्रेड एक्सचेंज।
इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि उन कंट्रीज़ को जो कि क्या होता है ईरान के साथ डील करना चाहती हैं, बिजनेस करना चाहती हैं, उन्हें बिना अमेरिकन डॉलर के उसके साथ बिजनेस कर सकती है, ईरान के साथ बिजनेस कर सकती है, ऐसा इसलिए ताकि यूएस के जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको अवॉइड करने के लिए, और किसी भी तरीके के जो यूएस ने एक क्या होता है सैंक्शन लगाया हुआ है कि ईरान के साथ कोई भी दूसरा देश व्यापार नहीं करेगा, इसलिए उसके अमेरिका के द्वारा लगाए जाने वाले किसी दूसरे सेक्शन के सेक्शन न लगे। इसलिए देखिए जो ड्रोन वॉर हुटीज और सऊदी अरबिया के और लेबनान हजीबुल्ला और इजराइल के बीच, इसमें जो एक ईरान का नया वॉर निकल के सामने आ रहा है, नया वॉर होने की उम्मीद निकल के आ रही है बार बार सामने से वेस्ट एशिया में, इसमें यूरोपियन पावर जो हैं वो एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा जिसका निर्माता यूनाइटेड स्टेट है इकोनॉमिक वारफेयर का अगेंस्ट ईरान एंड बिल्डिंग अ मोर इफेक्टिव डिप्लोमेटिक प्रोसेस इन वेस्ट एशिया। जैसे ये GS2 और GS3 पार्ट के लिए UPSC के पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले एडिटोरियल की ओर। देखिए एक बहुत ही बड़ी खबर है, एन आर्बिट्रेरी ट्रांसफ़र अ ग्रेसफुल रेजिग्नेशन। देखिए जो चीफ जस्टिस हैं विजय के तहर रमानी, उनका मद्रास हाई कोर्ट से मेघालय में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। देखिए ऐसा है नहीं कि क्या होता है ये कोई गलत बात है, ये सुप्रीम कोर्ट के पास ये क्या होता है अथॉरिटी है कि वो ऐसा कर सकती है, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा ह्यूमिलिटेशन का मामला है, यानी कि शोषण का मामला। द ट्रांसफ़र ऑफ अ चीफ जस्टिस फ्रॉम वन ऑफ द बिगर हाई कोर्ट टू वन ऑफ द स्मॉलर हाई कोर्ट इन द कंट्री इज एन ऑब्वियस केस ऑफ डाउनग्रेडिंग, क्योंकि इसको डाउनग्रेडिंग के तौर पे लिया जा रहा है, एंड अमाउंट टू पब्लिक ह्यूमिलिटेशन ऑफ द हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर इन अ स्टेट। हर रिस्पॉन्स टू दिस ह्यूमिलिटेशन हैज बीन ग्रेसफुल बट रिजॉल्यूट रिजाइनेशन। उन्होंने जो जस्टिस विजया के तहली रमानी है, उन्होंने इसका जवाब अपने रेजिग्नेशन के रूप में दिया है। एक्चुअली में ये भी कहा जाता है कि क्या होता है इनके ऊपर सरकार की ओर से काफ़ी दबाव भी बनाया जा रहा था, लेकिन ये उस दबाव के अंडर में काम नहीं कर रहे थे। साहबानो केस में बोल रहा हूँ, सॉरी। इसके बारे में मैं एक अगला वीडियो अगली जो वीडियो बनाऊँगा उसके बारे में उस इनके बारे में पूरी डिटेल में उसमें दे दूँगा, आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा अगला वीडियो। 10 सितंबर का जो 10 सितंबर 2019 का जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आप देखिएगा जरूर, इनके बारे में पूरी मैंने डिटेल में जानकारी दी हुई है। द सुप्रीम कोर्ट ड्राइव्स इट्स पावर टू सेलेक्ट अपॉइंट एंड ट्रांसफर जज फ्रॉम इट्स वर्डिक्ट इन 3 जजेस केस आफ्टर स्पेट ऑफ पनिशमेंट ट्रांसफर ऑफ अपराइट जज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यूरिंग द इमरजेंसी इन 1975। द जुडिशरी एरोगेटेड टू इटसेल्फ द पावर टू इन ऑर्डर टू प्रिजर्व जुडिशियल इंडिपेंडेंस दस द कोलिजियम सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वॉज पुट इन प्लेस। ये एपेक्स कोर्ट ये जो कॉलेजियम व्यवस्था है इसके अंतर्गत जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और चार जो सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के वो इसके अंडर में काम करते हैं, वो ये सारी चीज़ें देखते हैं क्योंकि उन्हीं के पास ये पावर होता है ट्रांसफ़र करने का। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने एक अटेम्प्ट किया भी था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को लाके, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में निरस्त कर दिया, और वही उसी कॉलेजियम की व्यवस्था के साथ ही आगे बढ़ रही है। 1977 में जस्टिस V.R. कृष्णन अय्यर वॉर्न इन द SS सेठ केस दैट पब्लिक पावर इज अ लोप्टी ट्रस्ट टू बी ऑपरेटेड एंड इफ प्राइवेट इम्पल्सेज और पब्लिक एबिलिटेशन प्ले अपॉन द एक्सरसाइज द कोर्ट शैल क्वेश्चन द लॉस लेस फ्लैट फिएट द कॉलेजियम इज नॉट अ क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट ऑफ द कोर्ट इट्सेल्फ। यहाँ पे ये बहुत बड़ी वर्डिंग है कि कॉलेजियम ने कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बनाया है लेकिन कोर्ट ने बनाया है। येट व्हेन द कॉलेजियम डिसीजन आर कॉल्ड इनटू क्वेश्चन फॉर हैविंग बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नियस कंसिडरेशन देयर इज नो इंस्टीट्यूशनल चेक। अगला जो इसमें पॉइंट है, वन इज रिमाइंडेड ऑफ द जस्टिस HR खन्ना हु हैव ब्रेव इंटेंस पॉलिटिकल प्रेशर टू डिसेंट इन द ADM जबलपुर केस।
हैबीज कॉर्पस केस ड्यूरिंग द इमरजेंसी एंड चूज टू रिजाइन व्हेन फेस्ड विद सप्रेशन। जब इनके ऊपर जो एचआर खन्ना है, जस्टिस एचआर खन्ना, जब इनके ऊपर सप्रेशन हुआ है, जब इनके ऊपर दबाव पड़ा, तो इन्होंने रिजाइन कर दिया था इमरजेंसी के ड्यूरिंग में। क्वेसी क्वेस्टेड एफसो क्वेस्टेड, मतलब हु विल गार्ड द गार्ड्स डेमसेल्फ, गार्ड को कौन गार्ड करेगा, ये एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे सवाल उठा है। ये ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ है, कई बार ऐसा हो भी चुका है, लेकिन हर बार जैसे यहाँ पे ये मामला इसलिए इतना तूल पकड़ लिया है क्योंकि इनको जो ट्रांसफ़र किया गया जस्टिस विजय के तहले रमानी का, उनको एक बहुत ही मतलब जहाँ पे वो थी मद्रास हाई कोर्ट से, उनको मेघालय के बहुत ही छोटे, जो कि अभी छोटी ही जगह है, छोटा ही कोर्ट है, उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया, जिसको एज ए डी मोशन के तौर पे लिया गया है। आते हैं अगले एडिटोरियल की ओर। और डिस्टर्बिंग डाउनवर्ड स्पिरल, ये GS2 एंड GS3 का पार्ट है। देखिए फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड ये है, जिनमें खास करके ये बताया गया है कि जब से जम्मू कश्मीर में धारा 370 35A हटी है, तो वहाँ पे सरकार को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कश्मीरीज के फंडामेंटल राइट्स किसी भी तरीके से हार्म न हो, मैनेजमेंट द मीडिया ये हार्म न हो, इसको देखना और इसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी मीडिया की है। द मीडिया इज नॉट द गवर्नमेंट्स हेडलाइन, मैनेजमेंट आर्म एम्ड एट डिस्ट्रैक्टिंग सिटीजन फ्रॉम सिक्योरिटाइजिंग द गवर्नमेंट्स फंक्शनिंग, इट इज सिटीजन हु गेन व्हेन द इन मीडिया टेक्स द लीड इन प्रोवाइडिंग क्रेडिबल इंफॉर्मेशन एंड कट थ्रू द क्लटर ऑफ ऑफिशियल रियटोरिक टू मेक सेंस ऑफ द गवर्नमेंट क्लेम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी 2014 में खुद ही कहा था, जब उनका पहला टेन्योर महीने का पहला टेन्योर खत्म हुआ था, कि इमरजेंसी इज ए ग्रिम रिमाइंडर ऑफ द डेंजरस एसोसिएटेड विद सबवर्टिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रेस एक्सप्रेशन एंड साइलेंसिंग अपोजिशन। एक जो आखिरी बात यहाँ पे ध्यान देने जाए कि फेलोर ऑफ द स्टेट एंड टू बी ऑन द साइड ऑफ द सिटीजन व्हेन देयर, ये प्रेस की ड्यूटी है कि जब स्टेट्स फेल हो जाएं तो उसे सिटीजन की साइड ले लेनी चाहिए, जब खासकर तब जब उनके फंडामेंटल राइट्स को टॉर्चर किया जा रहा हो, किसी भी तरीके से ख़त्म किया जा रहा हो या दबाया जा रहा हो। सऊदीज हैव लॉस्ट द यमन वॉर, देखिए ये एक एडिटोरियल आया हुआ है, लेकिन ये आपके UPSC के एग्ज़ाम के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बेहतर है कि इसके ऊपर ज़्यादा बातें ना करते हुए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तब मैं उन चीज़ों को और भी ज़्यादा वाइब्रिकेट करके आपको उसका जवाब दे दूँगा। आई थिंक यू हैव टेकन योर स्क्रीनशॉट्स इन योर फोन, सो नाउ लेट्स टर्न टू द नेक्स्ट एडिटोरियल इफ देयर एनी। नो, सो इट्स टोटल कंक्लूजन ऑफ द एडिटोरियल एनालिसिस डेटेड 9 September 2019, एंड नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन द न्यूज़पेपर ऑफ 10 September 2019, एंड इट्स अ वेरी क्रूशियल टाइम टू डिस्कस ऑल्सो अबाउट द अदर बर्निंग टॉपिक्स विच हैपेंड इन आवर वर्ल्ड, इन आवर कंट्री, इन आवर एटमोसफियर, इन आवर सराउंडिंग। सो इन द लास्ट, मी अमित कुमार दुबे वॉन्ट्स टू टेक गुड बाय फ्रॉम ऑल ऑफ यू, एंड बिफोर गोइंग आई वॉन्ट्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।